आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जिले के खताबर कायद यासिर अलीम ने नीट कैप चेयरमैन के ओहदे का जायजा लिया। सेक्रेटरी में मुनाकिदा तकरीब में नायब वजीर आला एमपीज पिजरा और एमएलसी ने शिरकत की। अवाम फिरका परस नहीं सियासी अनासिर होते हैं। 12% तहफुजात के ऐलान के बावजूद टीआरएस को इख्तदार मिलना इस बात का सबूत है। एमपी के दौरे के मौके पर रफत मोहम्मद खान का इजहार ख्याल और रेलवे लाइन के आगाज पर एमपी को मुबारकबाद। पल्स पोलियो प्रोग्राम का जिला कलेक्टर ने सरकारी दवाखाने में आगाज किया और कहा कि ये दो बूंदे सेहतमंद जिंदगी के लिए लाजमी है, लिहाजा वालदीन कोताही न करें, दवा पिलाएं और बच्चों को खदशात से महफूज रखें। एशिया की सबसे तवील तरीन सुरंग का काम मुकम्मल। जम्मू कश्मीर की सुरंग के आगाज पर वजीर आजम इसको कौम के नाम मानून करेंगे। ये सुरंग जदीद असली सहूलतों से आरास्ता है। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादात हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी वो फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। वो रब है दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का। तो आए जिनों और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इसने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन दोनों में एक आड़ है कि इससे बढ़ नहीं सकते। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इन दोनों में मोती और मूंगे बरामद होते हैं। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। और अल्लाह ही की मिल्कियत है वो जहाज जो समंदरों में पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं। तो बस आए इंसानों और जिनों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। सूरह रहमान आए 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह सुबहाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी खदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स नमाज में भूल जाए और ये ना जाने कि इसने 3 रकात नमाज पढ़ी है या 4, तो उसे चाहिए कि अपना शक दूर करे और यकीन हासिल कर ले और फिर सलाम से पहले 2 सजदे कर ले। इस तरह अगर इसने 5 रकातें पढ़ ली तो उसकी नमाज शफा हो जाएगी और अगर 4 रकातें पढ़ी तो इसकी नमाज पूरी हो जाएगी और शैतान की जिल्लत का बाइस होगी। हदीस मुबारका अहमद मुस्लिम अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। सरकारी दवाखाना निजामबाद में जिला कलेक्टर ने पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर जिम्मेदारान ने कहा कि यह सेहतमंद जिंदगी के लिए दो बूंदे हैं जिनको पिलाना इंतहाई जरूरी है। अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए यह दवा जरूर पिलाएं। 2 अप्रैल यानी आज पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर निजामबाद डॉक्टर योगी ताराना ने सरकारी दवाखाना निजामबाद में इस प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने यहाँ बच्चों को पोलियो ड्राफ्ट पिलाए। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकट के अलावा दीगर कई अहम कायदीन और तिब्बी अमला मौजूद थे। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने कहा कि पोलियो एक खौफनाक मर्ज है जिससे इंसान ताहयात माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है, लिहाजा हुकूमत इसको संजीदगी से रोकने का अज़्म रखती है और इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। ये दवा पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है क्योंकि इसी उम्र में इस खौफनाक मर्ज के हमले का ज़्यादा खदशा लाहक रहता है, लिहाजा 5 साल तक बच्चे को यह दवा पिलाना इंतहाई ज़रूरी है। इस तरह इस खौफनाक मर्ज से तहफ़ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वालदेन किसी भी हाल में वक्त निकाले और अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो ड्राफ्ट पिलाएं। जिला मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ने भी आवाम से ख्वाहिश की कि इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत भारी फंड खर्च करती है और तमाम अवामी मकामात पर आवाम की सहूलत के लिए बूथ कायम करती है और साथ ही तिब्बी अमला घर घर पहुँच कर भी बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने की खिदमत अंजाम देता है। उन्होंने कहा कि वालदेन किसी भी सूरत में अपने बच्चों को पोलियो खुराक पिलाएं क्योंकि खुराक सिर्फ दवा नहीं बल्कि सेहतमंद जिंदगी के लिए लाजमी दो बूंदे हैं। हाउस टू हाउस वैक्सीनेशन पेटा पोलियो वायरस दान की मात्र में 2 ड्रॉप्स पोलियो लेस देन 5 ml की मैं मिलकर खचित पोलियो एराडिकेट चयु सुमार 2 लक्षल पिल की मैं मन निजामाबाद जिला इतना पोइन सरी चला प्रिंट मीडिया सहाय तो चला अवेरने जनरेट आई चाल मंदी सवतंका बूथ लैवल्ल वी वाल पोलियो वैसा
रोज बूथ प्रति बस स्टेशन रेलवे स्टेशन దెన్ మొబైల్ కూడా మేము పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పటి నుంచి 5 సంవత్సరాల పిల్లలకి పోలియో చుక్కలు కరెంట్ డ్రాప్స్లు వేయించి మరి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. తల్లిదండ్రులకు ఒకటే నేను రిక్వెస్ట్, 5 సంవత్సరాల పిల్లలు ఉన్నారంటే పుట్టిన బిడ్డ నుంచి 5 సంవత్సరాల బిడ్డ వరకు ఈ పల్స్ పోలియోని తప్పకుండా మరవకుండా వేయించాలి. మరి మనకు రోగాలు రాకముందే ముందు జాగ్రత్త పడి చిన్నప్పుడే ఈ పల్స్ పోలియో వేయిస్తే వాళ్ళు ఏ రోగాల బారిన పడకుండా పల్స్ పోలియో రాకుండా మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి మరి 2 లక్షల మందికి ఈరోజు వేయడం జరుగుతుంది. జాతీయ పోలియో చుక్కల కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా అంతటా కూడా ఈరోజు పోలియో ఆదివారం జరపబడతా ఉంది. అందులో దాదాపుగా 216,000 మంది పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేయించడం అనే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు బూత్ టు బూత్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఈరోజు సాయంత్రం ఉదయం 7 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ పోలియో చుక్కలు అనేవి వేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మన జిల్లా అంతటా కూడా దాదాపుగా 1,021 పోలియో కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క పోలియో కేంద్రంలో మరి బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నారు కానివ్వండి, ప్లస్ ఆ ఊర్లో ఉన్నోళ్ళు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా పోలియో కేంద్రానికి వచ్చి చుక్కలు వేయించాల్సిందిగా కోరుతాము. सदरनशीन निडक्याप कॉर्पोरेशन की हैसियत से यह सलीम ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया. इस मौके पर सेक्रेटरीट में मुनक्किदा तकरीब में नायब वज़ीर आला महमूद अली, एमपी कविता और दिगर अहम कायदीन शरीक थे. गुज़श्ता कई दहों से जिले में सियासी समाजी और फलाही खिदमत अंजाम देने वाले सीनियर TRS कायद एस सलीम को हाल ही में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर ने निडक्याप कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नामजद किया था. एस सलीम ने आज अपने ओहदे का हैदराबाद में वाकई सेक्रेटरीट के डी ब्लॉक सेक्शन में जायजा हासिल कर लिया. इस तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के अलावा रुकने पार्लियमान निजामबाद के कविता, रियासती वजीर जगदीश रेड्डी, रुकने पार्लियमान जहीराबाद बीबी पाटिल, अराकीन असम्बली जिले निजामबाद बिकाला गणेश गुप्ता, हनुमान शंडे जीवन रेड्डी, डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन, तेलंगाना स्पोर्ट अथॉरिटी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी, MLC डॉक्टर भूपत रेड्डी, सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी, सदर नशीन जिला परिषद दफेदार राजू, नायब सदर नशीन जिला परिषद सोमना रेड्डी, सीनियर TRS कायद यासीन साबरी, DCC बीबी चेयरमैन MK मुजीबुद्दीन, सदर जिला TRS अखिलेश तिसल नवीद इकबाल, रुकन स्टैंडिंग कमेटी निजामाबाद बल्दिया MA खुदूस अब्दुल हलीम खमर, सीनियर कायद TRS इमरान शदा, सदर सिटी अखिलेश तिसल रफी कुरैशी, डॉक्टर अख्तर मुजाहिद अली बब्बू, सदर जमीयतुल उलमा निजामबाद हाफिज मोहम्मद लई खान, अब्दुल गनी मकसूद आलम, मौलाना करीमुद्दीन कमाल और सदर जिला हज कमेटी निजामाबाद मौलाना सैयद आबिद खासमी के अलावा TRS फ्लो लीडर मुरली बी चंद्रम, मुनव्वर अली, MA जलील, मोहम्मद शफीक खान के अलावा दिगर खैर कायदीन व कारकुन मौजूद थे. इस रंगारंग तकरीर से खिताब करते हुए MP कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तैयार करदा शमशी तवानाई पॉलिसी को मरकजी हुकूमत बगौर मुताला कर रही है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सोलर पॉलिसी के बेहतरीन होने का मरकजी वजीर बरखी पीयूष गोयल ने एतराफ़ किया है. दीगर रियासतों में इसी पॉलिसी को इख्तियार करने का मरकज की जानिब से गौर किया जा रहा है और इस प्रोग्राम का बगौर मुशाहिदा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरसब तेलंगाना में मौसर बरखी की सरबराही के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक विजन बनाकर काम कर रहे हैं. उन्होंने बाहिसत निडक्याप चेयरमैन ओहदे का जायजा हासिल करने वाले निजामबाद शहर के एस सलीम से ख्वाहिश की कि इस कॉर्पोरेशन का नाम मजीद रोशन करते हुए आवाम की शानदार खिदमत अंजाम दे. तेलंगाना हुकूमत रियासत में अखलौतों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए संजीदा इकदाम को रूबामल ला रही है. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलमानों की अज़मत रफ्तार की बहाली के लिए संजीदा इकदाम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गुज़श्ता दिनों में हुकूमत ने 10 कॉर्पोरेशन के चेयरमैनों के ओहदों का ऐलान किया, जिनमें 5 कॉर्पोरेशनों में मुस्लिम कायदीन को मौका फराहम किया गया है, जिसमें से एक SA अलीम भी हैं. उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि सलीम सदरनशीन निडक्याप चेयरमैन की हैसियत से अपनी शानदार खिदमत पेश करते हुए इस शेबे को अवामी फलाह बहबूद और कामयाबी की तरफ गामजन कर देंगे. उन्होंने अपनी तमाम नेकतर ख्वाहिशात का इजहार किया. नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पार्टी के लिए संजीदा खिदमत अंजाम देने वाले कायदीन कारकुनों को बहरसूरत शनाख्त वादा मिलता है और इसी तरह एस सलीम को सदरनशीन के ओहदे पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से फायज करते हुए उनकी खिदमत का सिला दिया गया. रियासती वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि शमशी तवानाई में तेलंगाना रियासत मरकज में पहले मुकाम पर है, जो कि तेलंगाना के लिए फख्र की बात है. उन्होंने कहा कि पेरिस से माहे तक इस बरखी पर्दावर में मजीद अहमियत हासिल होगी. इस मौके पर सलीम ने
उन्हें सदर नशीन नीट कैप के अहदे पर फायज किए जाने पर रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा और खासतौर पर रुकने पार्लिमान निज़ामबाद के कविता से इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा उन्होंने तमामी अराकीन असम्बली व अराकीन कानून साज काउंसिल और तमाम पार्टी कायन से भी इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामान निज़ामबाद ने यसलीम को गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी, जबकि नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनियत दी। एमपी कविता ने आज सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान के मकान पहुंचकर इनसे और इनके अफराद खानदान से मुलाकात की। इस मुलाकात को खैर सकाली मुलाकात करार दिया गया है। रफत मोहम्मद खान ने एमपी की आमद पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। रुकने पार्लिमान के कविता ने आज सीनियर कायद टीआरएस और साबिक कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान के मकान वाक़ खिला रोड पहुंचकर इनके अफराद खानदान से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात को खैर सकाली मुलाकात करार दिया। इस मौके पर रफत मोहम्मद खान ने सदर नशीन नीट कैप कॉर्पोरेशन यसलीम और रुकन स्टैंडिंग कमेटी निज़ामबाद मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस को तहनियत पेश की। निज़ामबाद की सियासत में इंतहाई सीनियर, तजुर्बेकार और बेबाक माने जाने वाले रफत मोहम्मद खान ने रुकन पार्लिमान के कविता का इस्तकबाल किया और इनकी आमद पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में बताया कि रुकन पार्लिमान के कविता ने अपनी सलाहियतों और कारकर्दगी से अवाम के दिलों में अपना बाविखार मुकाम बना लिया है। उन्होंने इस मौके पर इंतहाई तजुर्बे की बात कही और कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों के लिए 12% तहफ़ुज़ात का वादा किया था। हालांकि मुसलमानों के लिए ऐसे तहफ़ुज़ात देने में सियासी पार्टियाँ घबराती हैं, लेकिन केसीआर ने इंतहाई बेबाकी से अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया और नतायज की कतई परवाह नहीं की। इसके बावजूद भी अवाम ने इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। इस तरह सियासी जमातों के तमाम खदशात बेबुनियाद निकले। रफत मोहम्मद खान ने कहा कि इससे ये साबित होता है कि बेलोस कायद को हर तबके की हर हाल में ताईद हासिल रहती है और साथ ही ये भी साबित होता है कि मुस्लिम तहफ़ुज़ात या मुसलमानों के तय आम हिंदुओं को कोई बैर नहीं है। अलबत्ता बाद सियासी अनासिर अपने सियासी मफादात के लिए मुनाफिरत को हवा देते हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अवाम सिकुलर होती है और बाज़ फ़िरका परस्त सियासी कायदीन उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बेबाक वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया और साथ ही रफत मोहम्मद खान ने निज़ामबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन के आगाज़ पर रुकन पार्लिमान के कविता को दिली मुबारकबाद पेश की और इस तवक्को का इजहार किया कि रुकन पार्लिमान के कविता मुस्तकबिल में भी इसी तरह अवामी मफाद के काम करती रहेंगी। साबिक कारपोरेटर राजेंद्र प्रसाद की 89 की झूला तकरीब का इनेकाद रुकन पार्लिमान कविता ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इनके हमरा रुकन असम्बली नीट कैप चेयरमैन और मेयर बल्दिया भी मौजूद थे। रुकन पार्लिमान के कविता ने आज मुनुरकापू संगम प्रगति नगर में मुनक़िद सीनियर टीआरएस कायद व साबिक कारपोरेटर राजेंद्र प्रसाद की 89 के झूले के प्रोग्राम में शिरकत की। राजेंद्र प्रसाद जिले के अहम कायदीन में शुमार किए जाते हैं। उनको डी श्रीनिवास का कट्टर हामी माना जाता है। हाल ही में उन्होंने डी श्रीनिवास के साथ टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने अपने घरेलू फंक्शन में रुकन पार्लिमान को खसूसी तौर पर मधु किया था। इस दावत पर रुकन पार्लिमान कविता अपने रूपा रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, नीट कैप चेयरमैन एस ए अलीफ, स्टैंडिंग कमेटी रुकन मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, सदर जिला अखिलती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, हलीम खमर, तारिक अंसारी, इमरान शहजाद, मुजाहिद अली बब्बू, फहीम कुरैशी, यासिन साबरी के अलावा सदर जिला औकाफ जावेद अकरम और दीगर भी इस दावत में शरीक थे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और इनके अफराद खानदान को मुबारकबाद पेश की और इनकी नवासी को चूल्हे में डाला। राजेंद्र प्रसाद साबिक में 3 मरतबा काउंसलर और कॉरपोरेटर रह चुके हैं और सदर ज़िला यूथ कांग्रेस की हैसियत से भी उन्होंने ग्रां खद्र खिदमात अंजाम दी। ज़िले के सीनियर कायद और रुकन राजासभा डी श्रीनिवास भी खसूसी तौर पर पहुँच कर राजेंद्र प्रसाद को मुबारकबाद दी। नाजरीन अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक जरूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला। मरकजी महकुमे इत्तला तो नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है।
डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का इफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने 4A केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरिया जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रिट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रिप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तियाब डैश सिस्टम शरायत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा ना खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सिस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है, लिहाजा धोखा ना खाएं और महकुमा इत्तला'आत और नशरियात की शरायत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फंदोज होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकुमा इत्तला'आत और नशरियात से इजाजत याफ्ता है। महकुमा जाति खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। आजादी के बाद माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क्याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि KCR का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखले जारी हैं, मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सरकारी दवाखाना निज़ामबाद इंतहाई बदतर सूरत हाल से दो चार है। बदनस्बी की इंतहा हो चुकी है, खुलेआम रकमी मुतालबात किए जा रहे हैं। दीगर अजला के लोगों ने इस खूबसूरत दवाखाने की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। दवाखाना निज़ामबाद में ऐसा लगता है कि अवामी शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं। गंदगी और ताफुन में इजाफा देखा जा रहा है और अमले की लापरवाही व ज़्यादतर बढ़ती ही जा रही हैं। मरीजों के अफराद खानदान ने बताया कि इस दवाखाने में खुलेआम रकमी मुतालबात किए जा रहे हैं, हर छोटे काम के लिए पैसे तलब किए जा रहे हैं। हजाम कॉलोनी निज़ामबाद के रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ नामी शख्स ने बताया कि वो अपनी बीवी की जचगी के लिए उसको दो दिन कबल सरकारी दवाखाने निज़ामबाद में शरीक करवाया था। कबल अजी उसको नॉर्मल हालत में बताया गया, बाद इजा ऑपरेशन की बात कही गई और मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के लिए कहा गया और हर जगह रकमी मुतालबात धड़ले से किए जा रहे हैं। हत्ता के पेशाब की नाली में पाइप डालने या निकालने के लिए भी कम से कम 50 रुपये का मुतालबा हो रहा है। मोहम्मद अल्ताफ ने बताया कि इस दवाखाने के बैतुल खला की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। पेशाब और गंदगी फर्श पर तीरती नजर आ रही है। यहाँ रफाजत के लिए जाना मुमकिन ही नहीं है। बहुत ही मजबूरी के आलम में जरूरिया से इसी गंदगी में गरीब मरीजों और उनके अफराद खानदान को फारिग होना पड़ रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर और रबाब मजाज से इस सिम फौरी तवज्जो देने की ख्वाहिश की है। एक और शख्स शिकारी रमेश ने बताया कि वो मेटपल्ली से ताल्लुक़ रखता है जो ज़िले करीमनगर में है। उसने कहा कि उसका ख्याल था कि मेटपल्ली से बेहतर इलाज निज़ामबाद के खूबसूरत और वसीतर सरकारी दवाखाने में हासिल होगा, लेकिन यहाँ तो हालात ही इंतहाई तगरगु हैं। उसने बताया कि इसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए वो इस सरकारी दवाखाने में इलाज के लिए पहुँचा है, मगर यहाँ की इंतहाई बदतर सूरत हाल से वो खासा परेशान हो चुका है। इसने दावा किया कि इससे कई गुना बेहतर इलाज मेटपल्ली और करीमनगर के सरकारी दवाखानों में हासिल होता है और वो यहाँ इलाज के लिए पहुँचकर अब पछता रहा है। अरबा मजाज के लिए ये एक सवालिया निशान है कि मरीज इस दवाखाने से मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि दीगर दवाखानों से उसका मुआजना करते हुए इस दवाखाने को इंतहाई बदतर करार दे रहे हैं। यहाँ जिला इंतजामिया की कारकर्दगी भी सवालिया बन जाती है। डिलीवर के आया हमें, फर्स्ट 2 डेज होके नॉर्मल है, कुछ भी ना हुआ। आफ्टर डिलीवरी मेटर्निटी वार्ड में रखे,
जब से कुछ भी यूरिन बैग निकालने पैसे ले रहे, बैग रखने पैसे 50 रुपए ले रहे, नहीं देते बोल तो नहीं निकालते जाओ, किसको बोल लेते बोलो जाओ बोल रहे, वाशरूम में जाएंगे बोल तो पानी नहीं है, वाशरूम में रखने कदम ऐसा रखे तो पूरा मोशन पूरा लेटरिन ऐसी है कि ना रोड पे भी ऐसा नहीं कर, बहुत बुरा हाल है आपसे चाहो అక్కడ సౌకర్యాలు లేవని చెప్పేసి వస్తే ఇక్కడ లేదు సౌకర్యాలు, కనీసం దొడ్డికి కడుక్కున్నామన్నా కానీ లేదు, వాటర్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, టిఫిన్ సరిగా లేదు, తర్వాత ఇంజెక్షన్ ఇస్తే గోళీలు ఇయ్యరు, గోళీలు ఇస్తే ఇంజెక్షన్ ఇయ్యరు, తర్వాత గ్లూకోజ్ ఎక్కిమంటే నీకు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినా కదా గ్లూకోజ్ లేవంటారు. ఈ విధంగా మా కరీంనగర్ జిల్లాలో చాలా బాగుంది కానీ ఈ జిల్లాలో మాత్రం దౌర్భాగ్యంగా ఉంది, దుర్బలంగా ఉంది, పేద ప్రజలైతే తల్లాడుకున్నారు. टीवी 5 के भक्ति चैनल की जानिब से तबाह करवाई गई किताब मुकामी रिपोर्टर ने रुकने पालीमान के कविता को तोहफतन पेश की, जिसको रुकने पालीमान ने बसदे खुलूस व एहतराम कबूल कर लिया. टीवी 5 रियासत का अहम तेलुगु न्यूज़ चैनल माना जाता है. इस चैनल की नशियात को अवाम पूरे एतमाद के साथ देखती है और इस चैनल को ज़बरदस्त अवामी ताईद हासिल है. इस चैनल की जानिब से एक हिंदू मजहबी चैनल का भी आगाज़ अमल में आया है और फिर उगादी त्यौहार जो कि तेलुगु नए साल के आगाज पर मनाया जाता है, इस चैनल इंतजामिया की जानिब से इस मौके की मुनासिबत से एक किताब की तबात अमल में लाई गई. रुकने पालीमान निजामबाद के दौरा निजामबाद के मौके पर मुनुरकापु संगम वाक प्रगति नगर में इस चैनल के स्टाफ रिपोर्टर और सदर निजामबाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन शेखर ने उन्हें ये किताब तोहफतन पेश की, जिसको रुकने पालीमान ने बसदे एहतराम कबूल किया. सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मिनरल वाटर के नाम पर बोर का पानी फरोख्त किया जा रहा है. मीठे पानी की जगह खारा पानी मिलने पर भी आवाम खामोश नजर आ रही है. आखिर शिकायत किससे की जाए और इसका क्या फायदा हासिल होगा, आवाम का ये सवाल है. सरकारी दवाखाना निजामाबाद में पानी की किल्लत एक संगीन मसला है, बिलखसूस पीने के पानी के लिए आवाम को बेशुमार मसाइब का सामना करना पड़ता है. दवाखाना इंतजामिया की जानिब से आवाम को मिनरल वाटर फराहम करने का अज़्म रखते हुए यहां एक मिनरल वाटर प्लांट कायम किया गया और एक खानगी शख्स को इसका गुत्ता दिया गया. यहां मिनरल वाटर 2 रुपए में फी लीटर दस्तियाब होता है, मगर सवाल यह है कि क्या ये वाकई मिनरल वाटर है, जबकि बाज़ अफराद ने शिकायत की है कि यहां पर मिनरल वाटर के नाम पर बराह रास्त बोर पंप का पानी बोतलों में भरकर 2 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है. मिनरल वाटर में मिठास होती है, जबकि यहां सरबराह किया जाने वाला पानी खारा होता है. आवाम ने यहां सरी लूटमार का इल्ज़ाम आयद किया. इन शिकायतों पर हमारे नुमाइंदे ने इस प्लांट का जायजा लिया और पानी पीकर देखा, पानी वाकई खारा था. वजाहत के लिए गुत्तेदार को बुलाया गया, लेकिन किसी की वफात का बहाना करते हुए गुत्तेदार ने आने से इनकार कर दिया. तो बताए आखिर गरीब आवाम क्या करे और किससे शिकायत करे. खिदमत इंसानियत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि खिदमत खल भी लाजमी होती है. बाज़ हमदर्द नौजवानों और कमसिन लड़कों ने अपने जज्बे खिदमत को वसत देने का फ़ैसला लिया और इंसानियत के साथ साथ परिंदों की खिदमत का भी फैसला कर लिया. इंसानियत एक बामाना चीज़ है और इंसानियत महज ये नहीं कि आपने चंद पलाई खिदमत अंजाम दे ली और चंद इंसानों के मसाइल को हल कर दिया, बल्कि इंसानियत का तकाजा है कि आप इंसानों के साथ साथ तमामी अल्लाह की मखलूकात के साथ सिला रहमी का मुजाहरा करें और अपने वसाइल के मुताबिक इनकी खिदमत अंजाम दें. शहर के कुछ हमदर्द और खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवानों और कमसिन बच्चों ने एक अच्छा इकदाम किया और एक काम उन्होंने भी किया और दूसरों को भी तहरीक देने की कोशिश की. इन बच्चों ने फैसला लिया कि परिंदे बेजबान होते हैं, इनको हर वक्त दाना और पानी मिलना लाजमी है, लिहाजा इन नौजवानों और बच्चों ने परिंदों के लिए दाना और पानी के रोज़ाना इंतज़ाम का फैसला कर लिया. उन्होंने राजाराम स्टेडियम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और कहा कि हम रोज़ाना परिंदों के लिए दरख्तों के नीचे दाना और पानी का इंतज़ाम करेंगे. उन्होंने दूसरों से भी इस काम को करने की ख्वाहिश का इजहार किया. పక్షుల యొక్క పరిరక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. అందులో భాగంగా నేడు వేసవికాలం కావున పక్షులకి ఎండ తీవ్రత ఎక్కువైపోయి నీళ్లు మరియు ఆహారము గూడు లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. వాటికి గూడుని ఆహారాన్ని నీటిని సమకూర్చే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. నాజరీన్ అబ్ దేఖేంగే రియాసతీ ఖౌమీ ఔర్ ఆలమీ మంజర్నామా.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्याम के 150 साल मुकम्मिल हुए। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला योगी और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कोहर ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्याम के 150 साल पूरे होने पर मुनक्किदा प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस कोहर समेत कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि चीफ जस्टिस जे एस कोहर की बात मैंने दिल से सुनी है। चीफ जस्टिस के हर लफ्ज में दर्द झलकता है और मैंने उसे महसूस भी किया है। वजीर आजम ने कहा कि गांधी जी ने आज़ादी का जज्बा पैदा किया, आज़ादी की लड़ाई में भी वकीलों ने अहम किरदार अदा किया था। खासतौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इनमें से बहुत से वकीलों का मरकज रहा। कानून का मकसद तमाम लोगों की फलाह बहबूद है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कानून ऐसी चीज है जिसमें लगातार तब्दीली होती रहनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि कानून के जंजाल को खत्म करने में मरकजी हुकूमत ने कई इकदाम उठाए हैं। 1200 कवानीन को खत्म कर दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि 2022 तक मुल्क को बेहतर बनाने का अज़्म किया जाए और इस सिमत पेशकदमी की जाए। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस कोहर ने अपनी तकरीर में जजों की कमी और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर तशवीश जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अदालतों में जजों के खाली ओहदों को पुर कर लिया जाए। इसके लिए अदालतों को पेपरलेस होना चाहिए। हाईकोर्ट से केस की फाइल सुप्रीम कोर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए भेजी जाए। इस मौके पर मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ फैसले संगमेल साबित होंगे। यहीं से मदन मोहन मालविया जैसे अजीम वकील निकले हैं। साथ ही अदालत ने कई नामवर वकील और जज भी दिए हैं। यहां तक के राम मंदिर केस में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब जब जमहूरियत पर बहरान आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी पूरी वफादारी के साथ इस बहरान से जमहूरियत को बचाया। अदालत ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिसने हिंदुस्तानी माशरे को एक नई जहत दी। वजह समाज कानून से चलता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई तारीखी फैसले दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तारीख शानदार रही है। वैसे भी कानून से बढ़कर कोई नहीं होता और कानून से ही शिकायतों का हल निकलता है। जम्मू कश्मीर में एक तवील सुरंग की तामीर मुकम्मिल हुई। इफ्तिताह करने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस सुरंग को कौम के नाम मानून करेंगे। जम्मू कश्मीर में इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क की सबसे तवील तरीन सुरंग कौम के नाम मानून करने वाले हैं। इसका नाम चैनानी नाशरी सुरंग है। ये कौमी शाहरा नंबर 44 पर तामीर की गई है। जम्मू और कश्मीर हाईवे पर बनी ये सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग मानी जा रही है, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये सुरंग हिंदुस्तान की सबसे तवील सड़क सुरंग और हिंदुस्तानी इंजीनियर्स के हुनर का नायाब नमूना है। इससे जम्मू और कश्मीर के दरमियान का फासला 30.11 किलोमीटर कम हो जाएगा। गूगल मैप पर यह सुरंग कुछ इस तरह नजर आएगी। चीनानी और राष्ट्रीय के दरमियान फासला 41 किलोमीटर की बजाय अब 10.9 किलोमीटर रह जाएगा। इस सुरंग को बनाने के लिए 19 किलोमीटर तक की खुदाई की गई है। ये सुरंग रिकॉर्ड 4 साल में तैयार की गई। दावा किया जा रहा है कि इस सुरंग की वजह से हर रोज 27 लाख रुपए के पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। 3720 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये सुरंग दुनिया की किसी भी बेहतरीन सुरंग की बराबरी कर सकती है, क्योंकि खसूसियात के साथ साथ इसमें सिक्योरिटी के लिहाज से भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये हिंदुस्तान की पहली सुरंग है जिसमें इंटीग्रेटेड सुरंग कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जबकि जगह जगह वेंटिलेशन के निजाम लगाए गए हैं ताकि बाहर की ताज़ा हवा अंदर आती रहे। एडवांस स्कैनर लगे हैं ताकि ये किसी भी खतरे को भांप सके। और सबसे खास बात यह है कि ये सुरंग मुकम्मल तौर पर मैकेनिकल है, यानी इसको चलाने के लिए किसी इंसान का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल, बिजली, टेलीमौसला सब कुछ खुदकार तरीके से काम करते हैं। इस सुरंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें 120 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से हर कैमरे का फासला 75 मीटर है। साथ ही कोई हादसा या गाड़ी ख़राब होने की सूरत में इस सुरंग से बाहर निकलने के लिए इसके मतवाजी 9 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनी हुई है। बर्फबारी और दीगर मौसम में भी ये सुरंग सफ़र को आसान बनाएगी। अभी गाड़ी ड्राइवरों को ट्रैफिक जाम से नजात के साथ भारी बर्फबारी और पेचोखम से भरे पहाड़ी रास्तों से छुटकारा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में साबिका राशन कार्डों को मंसूख कर देने का वजीर आला योगी का अहम फैसला। डिजिटल कार्ड मुतारुफ करवाने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने राशन कार्ड को लेकर बड़ा फैसला किया है,
रियासत के 3,40,00,000 राशन कार्ड मनसूख किए जा रहे हैं, क्योंकि इन पर साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव की तस्वीर मौजूद है। बीजेपी हुकूमत ने इन तमाम राशन कार्डों को मनसूख करने का फैसला किया है। योगी हुकूमत अब नया राशन कार्ड जारी करने वाली है जो स्मार्ट कार्ड वाला होगा। इस कार्ड में चिप भी लगा हुआ होगा। फिलहाल के लिए पर्ची सिस्टम अपनाने का हुक्म दिया गया है। राशन कार्ड आधार कार्ड से भी लिंक होगा और इस पर एक बार कोड भी डाला जाएगा। स्मार्ट कार्ड वाले राशन कार्ड में कोटे का फायदा उठाने वालों के लिए कोड नंबर भी दिया जाएगा। पुराने राशन कार्ड पर अखिलेश यादव की तस्वीर इसी तर्ज पर लगी थी जैसे अखिलेश मोदी की तरफ से बांटे गए लैपटॉप में लगी हुई है। खास बात यह है कि 3,40,00,000 राशन कार्डों में से 2,80,00,000 कार्ड अब तक बांटे जा चुके हैं, जबकि 60,00,000 ऐसे कार्ड हैं जो अब तक तकसीम नहीं किए गए। इनकी तकसीम पर रोक लगा दी जा चुकी है। वाज़ह है कि कुछ दिनों कबल अखिलेश यादव के ड्रैम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया था कि आखिर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ गुज़श्ता माह साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव के ड्रैम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट का भी जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। 2 अप्रैल को 3 बजे दिन रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत के मुताबिक शहर निज़ामाबाद में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। निज़ामाबाद की आवाम से ख्वाहिश है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पे एक बार फिर नज़र। जिले के खताबर कायद यासिर अलीम ने नीट कैप चेयरमैन के ओहदे का जायजा लिया। सेक्रेटरी में मुनाकिदा तकरीब में नायब वजीर आला एमपी बिजरा और एमएलसी ने शिरकत की। अवाम फिरका परस नहीं सियासी अनासिर होते हैं। 12% तहफात के ऐलान के बावजूद टीआरएस को इख्तदार मिलना इस बात का सबूत है। एमपी के दौरे के मौके पर रफत मोहम्मद खान का इजहार ख्याल और रेलवे लाइन के आगाज पर एमपी को मुबारकबाद। पल्स पोलियो प्रोग्राम का जिला कलेक्टर ने सरकारी दवाखाने में आगाज किया और कहा कि ये 2 बूंदे सेहतमंद जिंदगी के लिए लाजमी है, लिहाजा वाले दिन कोताही न करें, दवा पिलाएं और बच्चों को खदशात से महफूज रखें। एशिया की सबसे तवील तरीन सुरंग का काम मुकम्मल। जम्मू कश्मीर की सुरंग के आगाज पर वजीर आजम इसको कौम के नाम मानून करेंगे। ये सुरंग जदीद असली सहूलतों से आरास्ता है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।